है गाइस, अगर आप लोग शॉर्ट क्रिएटर हो, शॉर्ट वीडियो बनाते हो, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया अपडेट, बहुत ही अच्छा अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जो कि दोस्तों आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने बात करी कि आप लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पे मैंने पहले भी ऑलरेडी वीडियो बनाया था, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबरों को, बहुत सारे क्रिएटरों को पता नहीं है कि ये जो अपडेट आया था वो क्यों आया था, कब आया था और कैसे आया था। ठीक है, यानी कि ये जो अपडेट आया हुआ है इससे हम लोग क्या यूज कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर ऑप्शन नहीं मिला है। अगर आप लोगों को चैनल पर मिला है तो आप लोग जाके अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन पर जाकर चेक कर सकते हो। वहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे देखोगे पेंसिल आइकन पे क्लिक करोगे, मोर ऑप्शन पे जाके क्लिक करोगे, तो वहाँ पे नीचे देखोगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे अलाउ वीडियो एंड ऑडियो रिमिक्सिंग का। तो यहाँ पे देखो इसका क्या यूज है, हम लोग कैसे इसका यूज कर पाएंगे। बहुत टाइम पहले नहीं थी, 10-15 दिन पहले समथिंग लगता है, 10-15 दिन हो गया होगा उससे मेरे अपडेट आ गया था मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे देखोगे अलाउ वीडियो एंड ऑडियो रिमिक्सिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप कोई वीडियो बना रहे हो, कोई ऑडियो बना रहे हो, ठीक है, उससे कोई दूसरा बंदा आपका वीडियो ऑडियो को रिमिक्स कर सकता है, थोड़ा बहुत यूज कर सकता है, फिर नहीं कर सकता है। अगर कर सकता है तो आप यहाँ पे अलाउ वीडियो एंड ऑडियो रिमिक्सिंग भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ मेरा वीडियो बार छोड़कर सिर्फ ऑडियो को रिमिक्स कर सकता है, वीडियो रिमिक्स नहीं करे, तो आप यहाँ पे अलाउ ओनली ऑडियो रिमिक्सिंग पे कर सकते हो। यहाँ पे आप मतलब अलाउ कर दोगे तो आपका जो ऑडियो वीडियो रहेगा कोई भी बंदा मतलब ऑडियो रहेगा, वो ऑडियो वीडियो को अगर रिमिक्स करने के लिए देना चाहते हो तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सिर्फ ऑडियो देना चाहते हो तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। डोंट अलाउ रिमिक्सिंग का तो यहाँ पे आप डोंट मतलब होता है कि मतलब किसी को कुछ भी यूज करने नहीं देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो अपडेट है बहुत ही बढ़िया अपडेट लाया है यूट्यूब ने, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे होते हैं कि किसी दूसरे बंदे का वीडियो ले लेते हैं, किसी दूसरे बंदे का मैजिक ले लेते हैं, किसी दूसरे बंदे का सॉन्ग ले लेते हैं, इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे जो करते हैं तो उन लोग यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यही कुछ अपडेट यहाँ पे आया हुआ था शॉर्ट क्रिएटर के लिए, शॉर्ट क्रिएटर जो भी सारे थे उनके लिए मतलब अपडेट बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे बात करें, यहाँ पे एक और अपडेट यहाँ पे मैंने देखा, आज चेक किया कि यहाँ पे देखो शॉर्ट वीडियो पे सुपर थैंक्स का ऑप्शन जो होता है बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे दिखता है फिर नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ पे देखो आप अगर कभी भी शॉर्ट वीडियो पे अगर कमेंट करने के लिए जाओगे तो यहाँ पे देखोगे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है डॉलर का, तो डॉलर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे ना तो आपके सामने क्या आगे कि यहाँ पे कितना डॉलर आपको डॉलर देना है, उसको पे करना है, कितना डॉलर पे करना चाहते हो, वो सारा फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सुपर थैंक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है शॉर्ट चैनल पे, जो कि हम लोग को पता ही होगा कि यहाँ पे लोग वीडियो हम लोग देखते हैं तो लॉन्ग वीडियो हम लोग को सिंपल से वहीं पे दिख जाता है, डिस्प्ले पे दिख जाता है, जहाँ पे शेयर करना लाइक करना जो होता है वहीं पे दिख जाता है। लेकिन शॉर्ट वीडियो में क्या होता है कि बहुत सारे शॉर्ट क्रिएटर ऐसे होते हैं, बहुत सारे शॉर्ट क्रिएटर ऐसे होते हैं कि शॉर्ट वीडियो का जो मतलब कि जो सब्सक्राइब ऑप्शन मतलब सुपर थैंक्स का जो ऑप्शन होता है यहाँ पे मिल जाता है हम लोग को लेफ्ट साइड के कोने में नीचे में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे देखोगे कमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ और देखने को मिल जाता है। और वही अगर iOS यानी कि आईफोन में अगर ओपन करोगे तो यहाँ पे कुछ टाइमिंग देखने को मिल जाता है, कितना टाइमिंग में आप मैसेज करना चाहते हो, यहाँ पे टाइमिंग दिखा दोगे, कोई स्पेशल वीडियो होता है जो इंपॉर्टेंट चीज होता है तो यहाँ पे अगर आप उतना टाइम पे जाकर यहाँ पे क्लिक करके सेंड कर दोगे तो उतना टाइम पे ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लिक करेगा कोई बंदा तो वहाँ पे जाकर वीडियो ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगा। ठीक है, यही कुछ अपडेट यहाँ पे आया हुआ था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अपडेट कौन सा बेस्ट लगा, आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आप लोग कोई भी क्वेश्चन पे कोई भी सवाल हो मेरे को इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, और दोस्तों मैं आप लोग बता दूं कि भाई आप लोग को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस कैटेगरी का वीडियो चाहिए, आप लोग प्लीज यार कमेंट करके जरूर बताना, आप लोग कमेंट करके नहीं बताते पर आप भाई इस मतलब जो भी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ होता है, आपका यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया, सस्पेंड हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, जो भी होता है आप मेरे को इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आप लोग बहुत जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और आप लोग को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट करके बताना, भाई मेरे को इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मेरे को ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम अगर आपको होता है तो आप लोग कमेंट करना भाई, उसके ऊपर मैं वीडियो बना के दे दूंगा, आप लोग को जो भी प्रॉब्लम होता है मेरे को इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, मैं आप लोग को जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है।